ये बताइए क्या हुआ है। हम लोग साथ चल के मांग करने आए थे तो हम लोग को देखिए कि कितना बुरा बर्ताव था। आप लोग ये चीज वीडियो में जरूर दिखाइएगा कि महिलाओं के साथ भी कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। मारा गया है क्या आपको? ये देखिए मैडम घाव हो गया। मांगने आए जा रहा है कुछ बताएगी? उन लोग को भी नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा। चमचा लोग को क्या मालूम होता है मैडम? चमचा लोग को क्या मालूम होता है? हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग का दिल में क्या बीता? हम तो बोल रहे ना, आज आप लोग वर्दी का जो ये दिखा रहे हैं ना, आप लोग का बच्चा कितना बदतर स्थिति होगा ना, आप लोग का बच्चा लोग के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। आपको मारा भी गया? खून निकल रहा है पूरे। जी मैं मारा गया। देखिए क्यों मारा गया, क्या बोल रहे थे आप? हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम खड़े थे रोड में, खड़े थे, बोल रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप लोग जबरदस्ती सबको घिसेट के ले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जबरदस्ती हमको लाया गया और मारा गया और सर फाड़ दिया गया। नहीं मैडम, मेरा बहन है, बेबी मातो मेरा बहन है, हम जा रहे हैं साथ में, देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत ही नाइंसाफी हुआ है प्रशासन के द्वारा। मारा भी गया है क्या? हाँ हाँ, मेरा भाई, एक भाई बगल में है, उसका 60 फट फाड़ दिया है। देखिए हम खुला चेतावनी दे रहे हैं हेमंत सरकार को कि आपका प्रशासन का ताकत बढ़ाइए। जरूर, एक लड़की ये बताते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर अब ले जाया जा रहा है। अभ्यर्थी नई नियोजन नीति की मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे थे और ये कांके की समक्ष की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अब बस के अंदर बैठाकर ले जाया जा रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे और उन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाने नहीं दिया गया। तमाम जो अभ्यर्थी उन्हें एक बस में बैठा कर यहाँ ले जाया जा रहा है। कहाँ पुलिस वर्दी के नाम मिलो कपड़ा आपको कांके चौक के समक्ष की दिखा रहे हैं जहाँ पर अभ्यर्थी गली के माध्यम से सीधा कांके चौक आने की कोशिश किए लेकिन कांके चौक के समक्ष तमाम अभ्यर्थियों को रोका गया और उन्हें बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है। कई जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि हम लोग सिर्फ सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए थे। जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी सिर्फ अभ्यर्थी है लेकिन दूसरी ओर जिस बस में अभ्यर्थियों को बैठाया गया है उस बस में ज़रूर हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ इन लोगों को कहा जा रहा है और इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। अंदर से कहाँ ले जाया जा रहा है भैया आप लोगों को? हम लोगों को पता नहीं मैडम, मेरा बहन है, बेबी मातो मेरा बहन है, हम जा रहे हैं साथ में, देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत ही नाइंसाफी हुआ है प्रशासन के द्वारा। मारा भी गया है क्या? हाँ हाँ, मेरा भाई, एक भाई बगल में है, उसका 60 फट फाड़ दिया है। देखिए हम खुला चेतावनी दे रहे हैं हेमंत सरकार को कि आपका प्रशासन का ताकत बढ़ाइए। जरूर, एक लड़की ये बताते हैं मैडम, ये बताइए क्या हुआ है? हम लोग साथ चल के मांग करने आए थे तो हम लोग को देखिए कि कितना बुरा बर्ताव था। आप लोग ये चीज वीडियो में जरूर दिखाइएगा कि महिलाओं के साथ भी कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। मारा गया है क्या आपको? ये देखिए मैडम घाव हो गया। आंदोलन में थी क्या? जुर्म क्या था? आप आंदोलन में थी? क्योंकि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं, इसीलिए हम लोग जबरदस्तियां घुसाया जा रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। जा रहा है कुछ बताएगी? उन लोग को भी नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा। चमचा लोग को क्या मालूम होता है मैडम? चमचा लोग को क्या मालूम होता है? हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग का दिल में क्या बीता? हम तो बोल रहे ना, आज आप लोग वर्दी का जो ये दिखा रहे हैं ना, आप लोग का बच्चा कितना बदतर स्थिति होगा ना, आप लोग का बच्चा लोग के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये बात आप लोग मत भूलिएगा। ये कहीं ना कहीं आप लोग हताश महसूस कर रहे हैं। आज ना खत्म कर दिया गया लेकिन देखिएगा ना, जो जो पुलिस से बर्ताव किया ना, उन लोग का बच्चा पे क्या होगा। ये बताइए पिटाई भी की गई है क्या? मारे भी गए? एक लाठी चार्ज किया मैडम और ये देखिए मेरा यहाँ छिल गया घाव। कहाँ से आई हैं आप? हम सराय जिला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या नाम है आपका? तो देख सकते हैं ये वही बस है जिसमें कई अभ्यर्थियों को डिटेन करके रखा गया है। इन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो मैडम से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है, उन्हें चोटें आई है। सरायकेला से वो आई है और कहना है कि मेरे हाथों में काफी चोटें आई है। हम तो सिर्फ सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से जो बस है इसमें सभी अभ्यर्थियों को बैठा कर ले जाया जा रहा है।
अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी भी चार्ज हुई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा 72 घंटे का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, चाहे सरकार हमारे ऊपर लाठी चार्ज क्यों ना करवा दे। और भी कुछ लोग कहाँ है भैया, बहुत चोटें आई आपको? जी मैम, पुलिस के द्वारा चोटी आई है मेरे को। फोन भी आ रहा है आपको? जी जी। कहाँ से आए हैं? जी रामगढ़ सुगिया। पूरा कपड़ा फट चुका है आपका, दिखा दीजिए थोड़ा। जी जी देखिए, पूरा कपड़ा फाड़ गया। देखिए पूरा कपड़ा उनका फट चुका है। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ सुगिया। रामगढ़ से आए हैं, नई नियोजन नीति की मांग को लेकर आए थे और आए तो अच्छे खासे थे, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुई थी। आपको मारा भी गया? खून निकल रहा है पूरे? जी मैं मारा गया। देखिए क्यों मारा गया, क्या बोल रहे थे आप? हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम खड़े थे रोड में, खड़े थे, बोल रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप लोग जबरदस्ती सबको घिसेट के ले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जबरदस्ती हमको लाया गया और मारा गया और छत फाड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि नई नियोजन नीति की मांग को लेकर तो ये लोग रांची आए थे, अलग अलग जिले से आए थे, रामगढ़ से ये आए हैं और इनका कहना है कि हम सिर्फ मांग कर रहे थे लेकिन प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज की गई, खूने भी निकली, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। भैया नीचे जाने दीजिए। तो ये बात के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर जो एक महिला से हमने बात करने की कोशिश की, एक अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश की, दोनों का कहना है लाठी चार्ज हुई, हम लोगों का कोई भी कसूर नहीं था, हम लोग सिर्फ अपनी आवाज को उठा रहे थे। जो महिला लगातार बयान दे रही है मीडिया के सामने आकर, उस सरायकेला से है और जो अपनी आपबीती है वो बता रही है कि हम लोगों के बीच में ही अपनी आवाज उठा रहे थे लेकिन मुझ पर लाठी चार्ज की गई और मुझे यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये बस आप देख सकते हैं कई अभ्यर्थियों को डिटेन कर यहाँ से सीधा ले जाया जा रहा है। अभ्यर्थियों से जब हमने खुद बातचीत की कि आखिर कहाँ उन्हें ले जाया जा रहा है, क्या उनको इसकी जानकारी है, तो उनका कहना है हमें कोई भी जानकारी नहीं, हमें सिर्फ बस में बैठाया गया है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। जरूर और भी दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ तो हम आपको दिखा दिए कि बस में किस तरीके से अभ्यर्थियों को डिटेन कर ले जाया गया, दूसरी तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचे थे, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए थे, अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे, लेकिन इन्हें प्रशासन की ओर से कई जगह रोका गया, चाहे शिबू सोरेन के आवास के समक्ष की बात करेंगे या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के समक्ष की बात करेंगे, इन्हें हर जगह रोका गया। अभ्यर्थी गली का सहारा लेकर यहां तक पहुंचे और जब यहां पहुंचे तो कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुई है, कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। हम जरूर कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें क्या कुछ प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है और आगे की अब इन लोगों की रणनीति क्या कुछ रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो बस है, स्कूल बस है, जिसमें बच्चे बैठे हैं, घंटों घंटों ये यहीं पे ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी जो है उन्हें सड़क पर रोक दिया गया है। देख सकते हैं दूसरी ओर अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है सड़क से। हम जरूर कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। बाबू अंदर मत जाओ, चलो भाई। क्या कुछ कहा जा रहा है भैया, क्या कुछ कहा जा रहा है? तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और अभ्यर्थी फिलहाल मीडिया के समक्ष नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह से ही लगातार हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लेकिन नियम कानून संयंत्र लगाने में चूंकि देखिए बहुत परेशानी हुआ, 144 धारा अलाउ कर दिया गया है उधर मोरहाबादी से लेकर यहाँ से सीएम आवास तक। आप तो गली का सहारा लेकर यहाँ? हम लोग पांच रास्ते से आए हैं, पांच जगह बैरिकेटिंग था, भाग के आए हैं, पैर में छाला पड़ गया है, देखिए क्या कंडीशन है, दिन भर भूखे हैं, 4 बजे से हजारीबाग से चले हैं, हम लोग का स्थिति बदतर हो गया। तो आप लोगों ने ठान लिया था कि आगे जाकर रहेंगे, क्यों आगे नहीं जा पाए? देखिए हम लोग का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग यही रहेंगे, हम लोग रात तक यही रहेंगे। आप लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं लेकिन जो आम जनता है ना वो खामियाजा भुगत रही है। हाँ हम लोग मांग के लिए लगातार लड़ेंगे, उसके लिए जान प्राण कुछ भी देना हो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कहना है कि अभी हम लोगों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम लोग अपने आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे क्योंकि इस बार हम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग
सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा कर रहेंगे। सुबह जितने लोगों से मेरी बात हो पाई थी, सभी अभ्यर्थियों का सिर्फ यही कहना था कि हम लोग तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जाएंगे। 72 घंटे का आंदोलन होने वाला है और ऐसे में आज पहला दिन है। कल मशाल जुलूस अभ्यर्थियों की ओर से निकाला जाएगा और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो झारखंड बंद का ऐलान किए हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अभ्यर्थी जो है हाथों में तख्ती लिए अपनी आवाज को उठा रहे हैं। जरूर अभ्यर्थियों से बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है शासन की ओर? आपको पता है ना क्या बोला? आप मीडिया को पता होना, आप बताइए आपको क्या बोला जा रहा है? हम लोगों को बोला जा रहा है जो बोला जा रहा है आपको सब बोला जा रहा है। आवाज 740 में ही चलेगा मैडम, झारखंड का नौकरी झारखंडियों के लिए। आप ग्रुप सी ग्रुप डी का जो छोटा छोटा नौकरी हो वो भी अगर बाहर का आदमी को दे दीजिएगा। और आप देखिए, हम लोग 7 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? आप ही बताइए, शासन की ओर से क्या कहा जा रहा है आप लोग? प्रशासन तो अपना जो सख्त रवैया है वो अपना रहे कि आप लोग आंदोलन खत्म कर दीजिए। हम लोग घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे, नौकरी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। और आज तक हम लोग आज विकास कर रहा है झारखंड, जो कितना दिन हुआ है, जितना पहले हम लोगों का झारखंड से पहले जो लोग राज्य अलग हुआ है, अभी देखिए विकास के तौर पर कहाँ है झारखंड में। ऑल ओवर झारखंड को कितना कुछ मिलता है, ऑल ओवर इंडिया को कितना सप्लाई करता है, एशिया में नंबर वन है कई चीज में। आज झारखंड के पास क्या है? कुछ नहीं। इतना सारा इतना युवा बेकार में, इन लोगों के पास में टाइम नहीं है, इन लोगों के पास में काम नहीं है, इन लोगों के पास में कॉपी किताब नहीं है कि इधर आके इधर टाइम पास करेगा, जेल जाएगा, यहाँ थाना पौधारी करने के लिए कोई अपना करेक्टर खराब करने है। यहाँ का सरकार या तो अनलॉजिकल है या तो अनपढ़ है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, अपना मनमानी कर रहा है। घंटे का आप लोगों का आंदोलन आज पहला दिन है, क्या ये आंदोलन को आगे लेकर जाइएगा? 72 का ये 72 दिन 72 साल तक भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर जब तक हम लोग का मांग कम्प्लीट होगा तब तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, 72 घंटे का आंदोलन है, 72 घंटे तक हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। अगर सरकार इसमें भी नहीं सुनेगी तो 72 दिन 72 साल तक हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। नई नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है, 60-40 नाए चलतो के नारे लगातार अभ्यर्थी दे रहे हैं। ब्लूटूथ नियोजन नीति नाए चलतो इसको लेकर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास जाना था लेकिन इन्हें कहा के रोड में ही रोक दिया गया। अभ्यर्थी गली का सहारा लेकर कहा के रोड तो पहुंच गए लेकिन यहाँ से कई अभ्यर्थियों को डिटेन कर सीधा यहाँ से ले जाया गया। उन अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि आखिर सरकार क्या चाहती है, पहले लाठी चार्ज करती है फिर डिटेन कर हम लोगों को यहाँ से लेकर जाती है, हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।